अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ जो मोहतरम गेस्ट हैं उनका तारुफ आपसे तो कराना ज़रूरी है। मैं तो उनको खैर बहुत अरसे से जानता हूँ। उनका नाम है डॉक्टर ज़रीन सीमा सिद्दीकी साहिबा। डॉक्टर सिद्दीकी इज बेसिकली अ साइकाइट्रिस्ट एंड कम्युनिटी एडवोकेट एंड करंटली शी हैज़ 3 होम्स, वन ईच इन पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड नाउ इन वियतनाम, where she is leading a newly established medical school. Dr. Siddiqui is currently serving at the Vinh University in Vietnam as a program director. Each of her successes is attributed to many failures, as she says, and reflecting back, there is a lesson learned from every particular failure. I know Dr. Siddiqui Sahiba since we worked together in the Higher Education Commission, not for a very long time, maybe a short stint, but that is where we befriended. So let's welcome Dr. Siddiqui, aur unki jo story hai wo unhi ki zubani sunte hain. A very warm welcome to you, Dr. Siddiqui. The floor is all yours. Thank you very much, Ali, and mere hisab se it is good evening, aur Pakistan mein abhi mere khayal 5 baje 7 baje 7 baje maghrib ho gaya. So in Vietnamese we call it Xin Chao, which means good day, whatever time it is. So thank you very much. I thought I would be more interacting with the students or whosoever is watching us. Is it okay if I speak in Urdu? Sure. Or do you want me to? क्योंकि हुआ ये कि अब हम यहाँ पाकिस्तान से मेरे ख्याल 16 साल से दूर हैं और ऑफ एंड ऑन आना जाना रहता है, लेकिन उर्दू बोलने का मौका कम मिलता है. So मेरा बड़ा बहुत अच्छी है, तो माइट इज फील फ्री. मैं काफी दिन से जो है ना कोई मौका ढूंढ रही थी कि उर्दू बोल. व्हेन एक्चुअली यू आस्क मी टू टॉक अबाउट फेलियर्स, सो आई एम ऑलमोस्ट 58 दिस ईयर, सो इट्स अ लॉन्ग वे टू लुक बैक के क्या हुआ मेरी जिंदगी में और क्या कुछ हुआ. बट ऑफ कोर्स देयर वर नंबर ऑफ फेलियर्स. एंड और जो सबसे पहला जो मुझे फेलियर याद आया इस कहानी को सोचते हुए वॉज माई नेम. एंड स्टिल पीपल आस्क मी कि ये ज़रीन सीमा सिद्दीकी क्या है. सो दिस स्टोरी गोज बैक व्हेन आई वॉज इन 9th क्लास, एंड सडनली हमें ये शौक हुआ कि हम बहुत अच्छी शायरा बन सकते हैं. सो एंड इट हैपन्स इन लाइफ. तो वो एज ऐसी होती है कि आप उस वक्त परवीन शाकिर और इन सबको पढ़ रहे थे और आपको अचानक लगता है आप शायरा बन सकते हैं. तो शायरा बनने के लिए हमें सबसे पहला जो था हमें नाम चाहिए था, एक क्या कर हम लिखेंगे तखल्लुस, क्योंकि ये 9th क्लास में आप उर्दू पढ़ना शुरू करते हैं. yes, और शायरी का तो ये उस वक्त आपको सब पता लगता है, मीर तकी, मीर गालिब. तो हमें पता नहीं कहाँ से ये सीमा आया था नाम, तो हमने अपने नाम के साथ खुद सीमा लगा लिया. इट इज़ नॉट इन माई नेम ओरिजिनली, सो इट वॉज ज़रीन सिद्दीकी. लेकिन हुआ ये कि 9th क्लास में चिल्ड्रंस अकेडमी कराची से पढ़ रही थी, और वन वेरी गुड थिंग दैट हैपेंड इन ईयर 9th, मेरे टीचर थे फारूकी साहब, और उन्होंने जो सबसे पहला काम उस वक्त किया था कि हमारा बोर्ड से फॉर्म जाता था, और वो बोर्ड से फॉर्म जो हमारा सबमिट होना था वो उन्होंने हर स्टूडेंट से भरवाया था इंडिविजुअली. सो बाकी स्कूल शायद घर भेज देते हैं कि माँ बाप उसको भरेंगे या कोई और भरेगा, लेकिन एक्चुअली वी वेंट थ्रू ईच ऑफ द फील्ड्स और हम सब ने खुद भरा था अपना फॉर्म. और वो उस वक्त मुझे मौका मिला कि जब उन्होंने कहा कि अपना नाम लिखो और मिडिल नेम लिखो, जो हमारे पास नहीं था, तो हमने उस वक्त सीमा उसमें डाल दिया और वो बोर्ड में चला गया एंड इट गॉट रजिस्टर्ड. और ये बहुत अरसे बाद, मेरे ख्याल 2-3 साल बाद, जब मेरी अम्मा ने देखा कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में मेरा नाम ज़रीन सीमा लिखा है, तो उन्होंने कहा कि ये कहीं गलती हुई है, तुम्हारा नाम तो ज़रीन सिद्दीकी है. तो हमने उन्हें उस वक्त बताया कि हम जो है ना शायदा बन गए हैं और हमने अपना नाम सीमा लगा लिया है तखल्लुस. तो ये कहानी उस वक्त शुरू हुई, फिर हमने उस पर शायरी भी करनी शुरू की. और आई रिमेम्बर उस वक्त वो एक आता था अखबार ख़वातीन, हमने शायद उसमें भी भेजा, एक दो जगह और भेजा, और वो कभी छपा नहीं. तो आई थिंक दैट वॉज माई फर्स्ट फेलियर. लेकिन वो फेलियर से मुझे ये भी एक चीज़ होती है कि बहुत से लोग कहते हैं ठीक है अपना काम हुए, आप फिर कोशिश करो, आप फिर कोशिश करो.
आई थिंक देयर इज समथिंग कॉल्ड खुदागही, कि कभी कभार आप कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन आपको खुद अंदाजा हो जाता है कि वाकई में आप इसको कर सकते हैं या नहीं. सो आई थिंक हमें बाय द एंड ऑफ ईयर 11 अंदाजा हो गया था कि शायद ही हमारे बस की बात नहीं है. सो दैट इज वन लेसन आई लर्न. सो दैट्स माई फर्स्ट स्टोरी. उसके बाद दूसरी स्टोरी जो थी वो हमें टीवी प्रेजेंटर बनने का बहुत शौक था. और आई रिमेम्बर मेरी रोल मॉडल मेहताब चन्ना होती थी. उनकी बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट और बोलने का अंदाज जो था वो बड़ा अट्रैक्ट करता था मुझे. और आई थिंक मैंने सबकॉन्शियसली उनको बहुत ज़्यादा कॉपी भी किया है. तो हमें टीवी प्रेजेंटर बनने का भी शौक था. फिर उस वक्त वो नीलाम घर चलने लगा तो हमें तारिक अजीज जैसा बनने का शौक हो गया. लेकिन ये चीज़ें ऐसी थी कि मौका नहीं मिला. तो देन वी मूव्ड ऑन. साइकेट्रिस्ट बनने का शौक हमें मेडिकल में आने से पहले से था. सो दैट वॉज वन थिंग दैट बिकेम अ सक्सेस फॉर मी, के और मुझे ज़िंदगी में बहुत काम आया. तो अगेन मैट्रिक इंटरमीडिएट देन मेडिकल स्कूल पे जब सेक्रेटरी बनने आए तो फिर फेलियर का सामना हुआ, क्योंकि हमें आसान लगता था कि बस ठीक है. जो मेरे जहन में परसेप्शन था सेक्रेटरीज बातें बहुत करते हैं और देट वॉज अ गुड एसेट जो हमें आप रोक नहीं सकते बातें करने के लिए. हमने कहा हम तो बहुत अच्छे सेक्रेटरीज बनेंगे. और जो ये एक जो नाकामी हुई कि जब हम साइकेट्री में आए तो सबसे पहला सबक जो हमें मिला वो ये कि साइकेट्रिस्ट बातें नहीं करता, साइकेट्रिस्ट सिर्फ सुनता है. और वो अचानक एक शॉक हुआ, ये क्या हो गया, हम तो आए इसलिए थे कि हम खूब बातें करेंगे. क्योंकि स्कूल में हमेशा जो सजा थी वो इसी बात पे मिलती थी कि क्लास में एजरीन चुप नहीं रहती. एंड साइकेट्री वॉज नॉट इट्स नॉट एन ईजी फील्ड. तो आई थिंक यहाँ मैं दो या तीन बार फेल हुई हूँ अपने साइकेट्रिक एग्जाम में. और अगेन ये एक वो था जो मैंने आपको कहा ना, एक जगह तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि शायरी मेरे बस की बात नहीं, लेकिन साइकेट्रिक एक मेरा पैशन था और मुझे पता था कि मैं इसको कामयाबी की तरफ लेके जा सकती हूँ. तो एक बार फेल हुए, दूसरी बार फेल हुए. उस वक्त हमारी शादी भी हो गई थी, बच्ची भी थी, और वो बच्ची उस एज में थी कि जब अम्मा फेल होती थी तो बच्ची सारी दोस्तों को बताती थी अपनी कि हमारी अम्मा फेल हो गई है. और बच्चों के लिए बड़ा एक शौक होता था योर मम फेल, क्योंकि उनके लिए तो वो स्कूल वाला पास फेल था कि इसकी रिदा की मम्मी फेल हो गई है. तो एट वन टाइम समबडी एक्चुअली सेड टू मी कि मे बी साइकेट्री इज़ नॉट फॉर यू, यू शुड नॉट गो फॉर इट. लेकिन देयर वॉज परसिस्टेंस. मुझे हर एग्ज़ाम के साथ पता लग रहा था कि मेरे अंदर क्या कमी है. तो आई वॉज डेफिनेटली इम्प्रूविंग इट. और आई थिंक तीसरे अटैम्प्ट के बाद आई पास दैट. सो दैट्स वन थिंग. उस साइकेट्री के बाद जो ये एक नया फील्ड है जिसमें मैं इस वक्त हूँ, मेडिकल एजुकेशन. और ये 1995 में बड़ा एक नया एरिया एक्सप्लोर हो रहा था और आई वॉज लकी कि मुझे उसमें मौका मिला. वहाँ अगेन मुझे एक मौका आया कि जहाँ मुझे ये चूज़ करना पड़ा कि वेदर आई विल कंटिन्यू विद साइकेट्री और मेडिकल एजुकेशन. और मुझे लिटरली अपनी प्रैक्टिस जो है थी रोकनी पड़ी बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर दिस प्रोफेशन. और लकीली लेकिन साइकेट्री एक ऐसा फील्ड है कि आपको हर रोज़ उसकी ज़रूरत पड़ती है. तो लोग मुझे कहते भी हैं कि आपका क्लिनिक कहाँ है. मैं कहती हूँ एक्चुअली मैं रोज़ ही प्रैक्टिस कर लेती हूँ उसे कहीं ना कहीं. तो अगेन दैट इज अनदर जो हाइंडसाइड में आप लोग कह सकते हैं कि मेरी सक्सेस स्टोरी रही है और शायद ये एक बड़ा परफेक्ट कॉम्बिनेशन भी बन गया है. तो अब इस वक्त जो है हमारी जो इस वक्त मोस्ट रिसेंट फेलियर है वो ये है कि मैं एक बिल्कुल वियतनाम में अकेले इस वक्त बैठी हुई हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई फ्लाइट्स नहीं है पिछले 5 महीने से और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम पाकिस्तान जाएं या ऑस्ट्रेलिया जाएं जहां फैमिली दोनों जगह मौजूद है. सो आई एम वेरी ओपन टू द एनी क्वेश्चंस दैट लोगों को हों. और आई थिंक दैट्स माय स्टोरी. अगर मैं पता नहीं और कितनी फेलियर्स में सोच सकती थी, आई एम श्योर दे वर मोर देन दैट. लेकिन मेरे लिए जो एक लेसन जो मैंने सीखा वो था सब्र और शुक्र. अगर आपको कुछ चाहिए आप उसके लिए कोशिश करें. अगर आपको मिल जाता है तो शुक्र करें अल्लाह का. अगर नहीं मिलता है तो आपने कोशिश की है उधर सब्र करें फिर अल्लाह का शुक्र करें. क्योंकि मैंने देखा है कि जहाँ मुझे फेलियर्स हुई हैं
वहाँ मुझे अब एहसास होता है कि उस वक्त जिस काम चीज़ के लिए मैं रोती थी या जो मैं चाहती थी वो अगर मुझे नहीं मिला, बावजूद इसके कि मैंने बड़ी अल्लाह से दुआएं मांगी हैं, तो उसमें अल्लाह की ही कोई बेहतरी थी जो मुझे शायद उस वक्त मालूम नहीं थी। तो सब्र और शुक्र जो है बहुत ज़रूरी है, कोशिश करें, बाकी अल्लाह के हाथ में। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत बात की आपने डॉक्टर साहिबा, सब्र और शुक्र की। और अनफॉर्चुनेटली मिन हैसुन कौम हम ये भूल गए हैं, स्पेशली इन दिस कंट्री, सब्र और शुक्र करना। और आई थिंक, आई पर्सनली थिंक कि शायद जो भी अजाब और अताब हम पे आ रहा है वो इसी वजह से है कि शायद अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। हम ना तो सब्र करते हैं ना शुक्रे हो गए, जो है उसका शुक्र अदा नहीं करते। एक कमेंट आया है, आपके कोई कलीग हैं शाहिद जंजुआ साहब, मैं इसको सी अगर थोड़ा बड़ा कर सकूँ। सो कमेंट्स, अस्सलाम वालेकुम शाहिद। शाहिद ओके, वर्क विद यू, गुड टू सी, लर्निंग। HEC के कोलीग को देख के बड़ी खुशी होती है अभी भी। एंड आई नो सम ऑफ माय कोलीग्स हैव नाउ रिटायर्ड, लेकिन मैं खाली HEC के लिए जो मेरे दिल में जगह है वो हमेशा रहेगी। आप कितना अरसा रही हैं HEC? मैंने 2 साल। 2 साल, अच्छा, दैट वाज अ वेरी शॉर्ट टाइम एक्चुअली। एंड व्हेन डिड यू जॉइन, व्हाट ईयर वाज दैट? जून 2003। ओके, बल्कि 2 साल से भी कम, जून 2002 में मैंने ज्वाइन किया था और फरवरी 2005 में मैंने छोड़ा। अच्छा, दैट वाज अ वेरी शॉर्ट टाइम। आई स्टेड देयर फॉर ऑलमोस्ट 15 इयर्स, सो HEC ऑलमोस्ट लिव्स इन आवर ब्लड। HEC जैसा भी है इस वक्त, वहाँ जो भी हो रहा है, लेकिन हालत ये है इतना टाइम गुजारने के बाद, लिटरली जिसे कहते हैं ना कि बाल चिट्टे कर लिए वहाँ और ये करीब का चश्मा लग गया। तो HEC के बारे में कोई कुछ गलत कहता है तो दिल चाहता है कि उसके तालू से जबान जो है वो निकाल दी जाए। और मुझे इसलिए हमारा, और आप एग्री करेंगे कि हमारा अटैचमेंट इसलिए है कि जब हम उस बिल्डिंग में रहते थे HEC में, उस वक्त वो जिस हालात में थी, आई रिमेम्बर कितने मोटे मोटे चूहे दौड़ा करते थे। मैं उन लोगों में से थी जो एक्चुअली जिसका घर भी वही था, तो मेरा ऑफिस भी घर था क्योंकि मैं बिल्कुल नई थी वहाँ से। और उसके बाद हमने जिस तरह उसको ग्रो होते हुए देखा है डॉक्टर अताउर्रहमान और डॉक्टर नकवी के हाथ में, इट्स अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके और डिफरेंट टेन्योर्स देखे। बल्कि आज ही सुबह, इफ यू रिमेम्बर, तलत खुर्शीद साहब, जी बिल्कुल राइट, उनका मुझे मैसेज आया कि जब जमाने में सोहेल नकवी साहब ने ज्वाइन किया था 2002, उस वक्त हसन साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते थे, रिमेम्बर, उनकी डेथ। उनसे तो व्हाट्सएप पे रहता है, बल्कि अभी मैं देख रहा था थोड़े से पहले डॉक्टर सोहेल नकवी का भी मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज आया। वैसे तो फेसबुक पे भी साथ हैं। डॉक्टर नासिर है, वो माशाल्लाह आजकल एक पाक ऑस्ट्रिया का एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जो कि डॉक्टर अताउर्रहमान साहब उसको हेड कर रहे हैं, बट ही इज़ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर देयर। और काफ़ी सारे हमारे जैसे हजरात जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे वो डिफरेंट जगहों पे चले गए। फिर रिमेंबर नूर आमना, शी इज़ बैक एज एडवाइजर नाउ माशाल्लाह, और वो मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन देख रही हैं, जो कि जलील साहब देखा करते थे। और जलील साहब कहाँ हैं? जलील साहब अपना बिजनेस कर रहे हैं बेसिकली। He was always an agriculturist, so he's got some farms and everything, and he went back to Multan. Muftar is an amazing colleague. Yes. Muftar sahab, unfortunately, lately he and his wife, they contracted COVID, but alhamdulillah, ab behtar hain. Bahut tough time dekha, Muftar sahab ne khas taur pe, bahut zyada bimar the, chest infection ye wo. Achha, main wapas aate hain, success ko aap kis tarah define karti hain? Success ko kis tarah dekhti hain aap? सक्सेस मेरे लिए कि जो मैंने ख्वाब देखा था अगर वो ताबीर तक पहुंच गया है जैसा मैंने सोचा था, और हो सकता है 19-20 फर्क आया हो, दैट्स सक्सेस फॉर मी। अगेन, इट हैज चेंज विद एज। आई थिंक एक जमाना था, शायद आई थिंक मेरा अल्टीमेट एम सिर्फ ये था कि मैं प्रोफेसर बन जाऊं,
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाऊं, वो है अब जो पिछले 2-3 साल में जो मेरे साथ ट्रांसफॉर्मेशन हुई, और शायद इससे पहले भी थी, कि मेरे लिए फैमिली बड़ी इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए प्रोफेसर बनना शायद वो इतना, या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, या अल्हम्दुलिल्लाह आई एम देयर, लेकिन मैं उसको फैमिली टाइम के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर पाती हूँ। मैं अभी भी जो है, मेरे बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड उसूल है, मैं सैटरडे संडे जो है अपनी ऑफिशियल ईमेल्स नहीं चेक करती। और मेरे ख्याल में एज एन एकेडमिक हमें ये रोल मॉडल के तौर पे दिखाना होगा अपने स्टूडेंट्स को। ये जो एक इमेज है कि डॉक्टर है या कोई और ऐसा हाई फाई है, उसने 24 घंटे काम करना है, दैट इज नॉट ट्रू। डॉक्टर का मतलब मसीहा बनना जरूरी है, या आप कोई और किसी और शोबे में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप 24 घंटे जो है आप सिर्फ काम करें। यू हैव गॉट अ फैमिली जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके बच्चे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उन्हें टाइम देना होगा। तो ये मेरे लिए सक्सेस जो इस वक्त ये है कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारूं। इट चेंजेस विद द एज टू मी। शायद जब आज से आप मुझसे 20 साल पहले पूछते तो मेरे जहन में चलता मैंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनना है, मैंने प्रोफेसर बनना है। इट ऑल चेंज्ड। और ये लेसन मैं अपनी बच्ची को भी अभी देती हूँ, कि क्योंकि यंग बच्चे जो होते हैं बड़े एम्बिशियस होते हैं, लगे हुए उन्हें नहीं करना है ना, ऑलवेज से कि नहीं आपको अपना पेस रखना होगा, और अब जितना जल्दी आप उसको सीख लेंगे उतना ही जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। ये जो है हम बात जरूर करते हैं फैमिली और वर्क लाइफ बैलेंस और समथिंग, लेकिन अगर हमारे स्टूडेंट्स हमारे जूनियर्स ये नहीं देखेंगे तो दे हैव नॉट सीन इट। वो कहेंगे कि आप तो 24 घंटे काम कर रही होती हैं तभी तो आप यहाँ पर पहुँचे। तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन अस टू टेल देम कि सक्सेस क्या है। अगेन जो मैंने एक चीज़ बहुत पहले पढ़ी थी कि एबिलिटीज आर देयर, लेकिन एबिलिटी विदाउट अपॉर्चुनिटी इज नथिंग। तो अपॉर्चुनिटीज आप ज़रूर ढूंढें, और अब ये बहुत आसान हो गया है, अब तो वर्ल्ड इज एट योर फिंगर टिप्स। जब हम छोटे थे तो हमें तो ढूंढनी पड़ती थी अपॉर्चुनिटीज, अब अपॉर्चुनिटीज हर एक के लिए अवेलेबल हैं, तो उनसे फ़ायदा उठाएं, देखें आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर काम कर सकती है, एंड गो टूवर्ड्स दैट। हाउ डिड यू एंड अप इन वियतनाम? आई थिंक यू वर प्रीटी मच सेटल्ड इन यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तो व्हाई वियतनाम, हाउ डिड इट हैपन? अगेन तो 2005 में, फरवरी 2005 में मैं HEC से यहाँ आई हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से इस वक्त में छुट्टी मैंने ली हुई है। और वियतनाम वॉज एन अपॉर्चुनिटी जो मेरे ख्याल ज़िंदगी में एक बार शायद लोगों को मिलती है, और इट्स अ ब्रांड न्यू यूनिवर्सिटी जो पिछले साल शुरू हुई, काम करना शुरू किया, एंड दे वर लुकिंग फॉर समवन जो इनका मेडिकल जो स्कूल है वो उसको संभाल सके। एंड समहाउ थ्रू लिंक्डइन वी गॉट इनटू टच विद ईच अदर, एंड आई वाज ऑफर्ड अ पोजीशन। और ये पोजीशन इसलिए बहुत मेरे लिए चैलेंज है कि एक तो मैंने पाकिस्तान में काम किया और ऑस्ट्रेलिया, ये दो बड़ी एक्सट्रीम्स हैं अगर आप मेडिकल एजुकेशन को देखें। तो वियतनाम में आई कुड ब्रिंग बोथ एक्सपीरियंसेस, क्योंकि वियतनाम इस वक्त ट्रांजिशन कर रहा है एक लोअर इनकम कंट्री से टू मिडिल इनकम कंट्री, और इट्स ऑलमोस्ट देयर। सो इनके चैलेंजेस वही हैं जो पाकिस्तान को हैं, और ये चाह रहे हैं कि हम दुनिया में एक्सीलेंस की तरफ जाएं। तो आई कैन अश्योर यू विद इन 10 years दिस यूनिवर्सिटी विल बी अमंग टॉप 50 यूनिवर्सिटीज अंडर 50, दैट आई कैन टेल यू नाउ एंड यू कैन राइट डाउन, क्योंकि यहाँ लोगों में मोटिवेशन है, वो दे वॉन्ट टू वर्क फॉर देयर कंट्री। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि एट एन एज जहाँ मैं अब रिटायरमेंट के बारे में सोच रही हूँ, आई कैन एंड माई वर्किंग लाइफ विद अ बैंग, कि मैंने एक जगह ऐसा काम किया है जो हमेशा याद रहेगा। दूसरी चीज़, आपको कब मौका मिलेगा कि आप किसी यूनिवर्सिटी के बायलॉज लिखें? So this is something that I'm involved. यहाँ की इस वक्त जो है मेरा ख्याल है, अगर आज भी अगर कल मैं यहाँ ना हूँ तो बहुत सी चीज़ें जो हिस्ट्री में जाएंगी, इस यूनिवर्सिटी के ज़रीन ने बायलॉज लिखे थे, ज़रीन ने पहली वर्कशॉप टीचर्स के लिए की थी, और अगेन यू कैन सी के जो था ये अपॉर्चुनिटी को इनकार करना जो था,
I would have regretted it for my life. So I'm happy. Let's see kab hota hai. So we are having our first group of students coming on 5th October. Actually, you have not even started as such teaching. No. Pichle saal jo tha, officially the ministry ne yahan ki jo isko kaam karne ki ijazat di thi, aur is saal January mein approval liya. So is waqt jo hamara phase hai, we are accepting students for the medical school and other schools. Aur this is first time in the history of Vietnam ki ek medical curriculum angrezi mein padhaya jayega. Interesting. How big is this university? Kitne departments hain? Is university mein 3 colleges hain. College of Engineering, College of Business, Hospitality and Management. Engineering ke saath computer science hain. Aur hum log kaam kar rahe hain medical school aur nursing pe. Aur again, nursing ka scenario yahan bilkul Pakistan ki tarah hai ke there is a stereotyping about nurses. और तो जो चैलेंज है वो यही है कि नर्सिंग प्रोफेशन को जो है यहाँ एक आगे स्टैंडर्ड्स पे लेके जाया जाए, जहाँ लोग जो हैं से हैं कि हाँ नर्स होना इज रियली समथिंग दैट यू शुड टेक प्राइड इन दैट. दैट इज गुड. एंड व्हिच पर्टिकुलर सिटी आर यू इन? हनोई. ओके दैट्स नाइस. ग्रेट मैम, एज सच कोई क्वेश्चंस तो नहीं है इस वक्त, तो बस आपका शुक्रिया अदा करूंगा. और करंटली पीपल आर वॉचिंग, अक्सर लोग टाइम बाद में निकालते हैं, बाद में इसको देखते हैं. यू कैन ऑलवेज गो ऑन द इंटरनेट, आई कैन डाउनलोड दिस इंटरव्यू इफ यू वुड नीड इट फ्रॉम फेसबुक चैनल एंड शेयर इट विद यू. हफ्ते 10 दिन के बाद जो है मेरे टीम के मैनेजर्स हैं वो इसको यूट्यूब पे भी डाल देते हैं. वंस दैट इज ऑनलाइन अपलोड हो जाता है तो हम वो भी आपको भेज देंगे. Anyway, I'm available. अगर sure. किसी को कभी कुछ सवाल पूछना हो, sure. I'm available anytime. So very much for your time. Not at all. It's a pleasure. आपका आपने वक्त दिया और बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आपके साथ मैंने तो पर्सनली काम किया है, पुराने नोट्स हमने शेयर किए. So you take very good care of yourself, ma'am. Right? Thank you. Allah Hafiz. खुदा हाफिज़. Allah Hafiz.